सब सबकी एक एक चीज़ ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सब एक एक आइटम बांधो भाई। चिकन साटे, हाँ ये चिकन साटे। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्तमस चैम व्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमने 21वीं शब का रोज़ा रखा है, आज है 21वां रोज़ा और अलविना ने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो आज हम बताएंगे अलविना ने क्या क्या रोज़े में इफ्तारी में क्या क्या उस खाने वाली है, और हम अलविना को बताएंगे वो कैसा रेडी होगी, उसको तियारा फूल वूल सब रेडी करके उसको बताएंगे, और प्लस हम जाएंगे अभी मिल्लत नगर, वहाँ से अच्छी अच्छी इफ्तारी लेके आपको भी मिल्लत नगर के भी मार्केट बताते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी इफ्तारी मिलती है माशाल्लाह, यानी वो भी काफ़ी बड़ा यूज मार्केट अभी बन गया है, यानी पहले था मगर इतना नहीं था, मगर अभी आज की तारीख में आप वहाँ पे टेस्टी आपको सब मिलेगा, मगर अभी काफ़ी बड़ा बना दिया है, यानी पहले इतना नहीं बन रहता था, अभी बहुत बड़ा मार्केट बना दिया, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आज मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, मिल्लत नगर का लोखंडवाला का मिल्लत नगर अंधेरी वेस्ट का मार्केट जो आपको मैं बताऊंगा इफ्तारी के लिए, बहुत बड़ी मार्केट है, सब आपको मिलेगा, सब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगी जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली मेरे हाथ पे मार लगा हुआ है, मैं मेरे हाथ पे लग गया और पैर पे लगा हुआ है, तो मैं मेरे दोस्त को बुलाऊँगा, उसके साथ में हम लोग जाएँगे स्कूटर पर, तो अभी मैं दोस्तों अभी निकलता हूँ, मेरा दोस्त नीचे इंतज़ार कर रहा है मेरी बिल्डिंग के, तो अभी मैं निकलता हूँ आपको मिलता हूँ, मैं इफ्तारी लेके आता हूँ फिर अलविना को दिखाता हूँ। अलविना का आज रोज़ा था माशाल्लाह, मैंने बोला क्या कुछ भूख लगी है तो खा ले, तो बोलती क्या नहीं कुछ नहीं मेरे को भूख नहीं लगी है, मैं खाऊंगी नहीं, मैं अभी रोज़ा रख ली तो रख ही ली हूँ, तो अभी देखो इंशाल्लाह अभी और है 3 घंटे बाकी है, इंशाल्लाह उसका रोज़ा अच्छे से रहे, और दुआ कीजिएगा अलविना के लिए कि उसको रोज़ा लगे नहीं, ठीक है, तो आपको हम मिलते हैं अभी इफ्तार के टाइम पर। तो दोस्तों अभी हम लोग जोगेश्वरी से अभी हम लोग निकल गए, अभी हम पहुंचे हुए हैं जहाँ पे पूरा मार्केट चल गया था ओशिवरा, आपने सुना ही होगा कि ओशिवरा का पूरा मार्केट चल गया था, तो अभी हम लोग वहाँ पे पहुंचे हुए, माशाल्लाह रिकवरी भी फटाफट कर ली पब्लिक ने, और जो भी जला हुआ था फटाफट साफ वाफ करके पूरा अच्छे से पूरा वापस खड़ा हो गया मार्केट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी गुलशन नगर जाएँगे, वहाँ से आनंद नगर सिग्नल पर हम लोग ले गए फूल वूल बच्चे के लिए, और फिर बाद में हम जाएंगे मिल्लत नगर, तो आपको हम बताएंगे मिल्लत नगर में क्या क्या कहाँ पे क्या मिलता है, क्या अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती है टाइम पे, देखो पूरा ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा है, तो अभी यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे, तो देखो ये दोस्तों ये है आनंद नगर का सिग्नल, वहाँ पे आपको फूल मिल जाएगा जो इधर नियर बाई जोगेश्वरी साइड में रहते जिनके बच्चे फर्स्ट टाइम रोज़ा रख रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को फूल मिल जाएगा, यहाँ पे देखो फूल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा होटल साहिल और यहाँ पे फूल वाला है, और देखो ये सिग्नल जो आपको है ना मेट्रो बस स्टेशन का जो ब्रिज है उसके नीचे ही है भाई, फूल देना ना मेरे को, ये पूरे एरिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा, कभी भी आप कभी भी आइएगा तो ये चालू ही रहता है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है, ये दोपहर उपहर में भी मेरा भाई बैठा हुआ ही रहता है, क्या बोलते बाबा तुम दोपहर में भी, बाकी सब तो चले जाते ना, यानी आपको सब मिल जाएगा, नीम पत्ता वीम पत्ता सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों ये हार जब ऐसा बनाते हैं बच्चे लोग के लिए, जिनको आके बोलने का जो बच्चे ने रोज़ा रखा है लड़की या लड़का जो भी है, तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं हार, है ना भाई, लड़के का अलग बनता है लड़की का अलग बनता है, लड़के का सर का नहीं, लड़की का सर का रहता है ना, अच्छा अच्छा लड़की के सर का नहीं रहता, लड़की के सर का रहता है लड़के के सर का नहीं रहता, इसके वजह से ना ये वाला 25 है, बाजू वाला 25 है, ये 20 है, ये भी भाई बना रहे, दे दो उसके कितना दो, वो 20 वाला जरा दो, वही दे दो ना, है ना भाई, ओके ये कम्बू ने अभी ये रील्स भी बना लिया फटाफट, क्या बात है कम्बू इतने फास्ट रील बना लिया तूने, हाँ वाह तो दोस्तों अभी हम लोग ने उनको फूल वाले को बोला हुआ है क्या वो
फूल पूरा हार वार सब बना के रखेगा, हाथ का और सर का, फिर गले का सब हार बना के रखेगा, और बच्चे लोग का जो रहता है वो बना के रखेगा, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो जब तक का हम लोग इफ्तारी लेके आते हैं, मिल्लत नगर चलते हैं। तो अभी हमारे साथ चलिए मिल्लत नगर, अभी हम लोग ओशीवरा मेगा मॉल से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं। देखो ये मेगा मॉल में सब खुल गया, डीमार्ट सब खुल गया है, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, ये डीमार्ट है। देखो ये क्रोमा भी खुला हुआ है यहाँ पे, क्रोमा, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, कनाडा का बैंक, ईस्ट कनाडा का पैसा तो अपने को मतलब ही नहीं है, और बाकी ये सब खाने पीने की चीज़ तो अपनी यहाँ पे है। और ये गुंडा एजुकेशन अकेडमी यहाँ पे ही है, बच्चों लोग की मिल्लत नगर की मस्जिद, मिल्लत नगर की मस्जिद, आपको सबसे ज़्यादा जितने भी मुस्लिम सेलिब्रिटी है यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, जितने भी लोकड़ाला में जो रहते हैं ये मिल्लत नगर में जो रहते हैं, जितने भी मुस्लिम सेलिब्रिटी वही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो अभी हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल्लत नगर में, यहाँ से अभी हम लोग इफ्तारी ले गए और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है। फ्रूट्स देखो यहाँ से ही चालू होते हैं फ्रूट्स, ये मार्केट पूरा चालू है। सब मिलेगा, आलू चाट, ये सब भजिया, कांदा भजिया, ये सब मिलता है। अपने अपन जहाँ से लेते ना वहाँ पे रुका नहीं, अभी हम लोग जहाँ से लेते हैं वहाँ पे आपको बताते हैं कहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी हम लोग अभी आ गए यहाँ पे, तो जहाँ से हम लोग लेते हैं हमेशा खरीदते हैं, तो अभी हम लोग सब एक एक नाम बताएंगे, सब पूरी सब सब की एक एक चीज़ ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सब एक एक आइटम बांधो भाई। चिकन साटे, हाँ ये चिकन साटे, नाम बताया भाई, वो भी कल का भी पैसा अभी मार देता हूँ कि वो फेल हो गया था इसकी वजह से। ये भाई का नाम है A1 अली का एड्रेस, चिकन गार्लिंग है, ये चिकन गार्लिंग, ये चिकन मलाई सीख है, ये चिकन मलाई सीख, ये A1 अली का एड्रेस है अपना, A1 मोटर्स करके मेरी कंपनी का नाम, A1 मोटर्स। चिकन कटले से, ये क्या चिकन कटलेट, चिकन रशियन कबाब, चिकन समोसा हो गया, ये कब समोसा का एक अलग ही रखना भाई, ये समोसा एक साथ में मत डालो क्योंकि वो कीमा का भी है और वो चिकन का भी है ना, मटन और कीमा दोनों अलग अलग है ना। ये चटनी कबाब हो गया, ये चटनी कबाब, ये अपना चीज रोल हो गया, चीज रोल, लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप, चिकन स्टिक हो गया, अच्छा चिकन स्टिक, चिकन रोल वो पैक करो ना, दूसरे और भी तो अलग पैसे रोल लेगा ना, अच्छा चिकन रोल हो गया, चीज़ कबाब हो गया, अच्छा चिकन अफगानी सीख हो गया, अफगानी सीख, चिकन कांडी फ्राई, चिकन कांडी, ये चिकन कांडी, चिकन क्रिस्पी हो गया, चिकन क्रिस्पी, समोसा अलग बाद में कर देता हूँ, हाँ समोसा, ये मटन का है ना, वो ये भी मटन का है, हाँ ये भी मटन का ना, मटन वाला आइटम, समोसा और मटन वाला आइटम एक साथ ही रखो, जो मटन वाला है वो एक साथ में रखो, क्योंकि समोसे समोसे इनके पास दो मिलते हैं, ये चिकन में है और ये मटन में है। तो दोस्तों अभी हम लोग ले लिए सब कुछ और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, अभी फूल लेंगे, फूल वाले को बोले थे फूल बनाने के लिए, अभी हम लोग फूल लेंगे और घर पे जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, आपको बता दिए ये मिल्लत नगर का मार्केट है, अभी जाते जाते आपको और दिखाते हैं मार्केट कैसा है, और बहुत बड़ा मार्केट है जिसका दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पहचान वाले यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब बातचीत करते 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 ना भाई टाइम हो जाएगा, और भी बात में मेरी बच्ची का रोज़ा भी है, तो मेरे को सब चीज़ें प्रिपेयर भी करना है, तो अभी मैं जाऊँगा फटाफट यहाँ से निकलूँगा, जितनी जल्दी उतना मेरे लिए अच्छा है, वरना सब पहचान वाले मिलेंगे ना बातचीत करते करते मैं टाइम चले जाएगा पता नहीं चलता। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट से अभी घर, तो आपको मिलते हैं हम घर पर ही। हेलो, बड़ा बड़ा मार्केट है,
माशाल्लाह काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ तक का। ये मिल्लत नगर का पूरा जो गेट है एंट्रेंस वाला, वहाँ से यहाँ पे फिर पीछे वाला जो गेट है बैक रोड वाला, उधर उधर तक का पूरा, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगता है वहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के लिए। तो भैया ये वाला जो है ना गेट नंबर 2 है, और अभी जो गेट नंबर 1 के पास से जो, हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए घर पे। तो अलविना का जैसे मैंने बताया था कि अब अलविना का ये साल का पहला रोज़ा है, तो अलविना ने रोज़े रखी है। तो अलविना के लिए क्या क्या लेके आए हमने, अलविना की सब फेवरेट आइटम जो जो अलविना बहुत पसंद करती है वो सब चीज़ें हमने लेके आए हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं अलविना के लिए क्या क्या लेके आए। पहले अलविना से मिल लीजिएगा। अलविना आपको कैसा लग रहा था? हाँ रोज़ा ऐसा लगा आपको कि एकदम मतलब पानी की ज़्यादा प्यास लगी है, ये है वो है, कैसा फील कैसा लग रहा था? अच्छा था। अलविना आपको कैसा लग रहा है ये आपने फर्स्ट रोज़ा रखा ये साल का, तो कैसा? नहीं नहीं वो तो पिछले साल रखा था ना आपने एक रोज़ा, ये साल आपने आपका ये साल का फर्स्ट रोज़ा है ना, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, यानी कैसा फीलिंग कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है। जैसा लास्ट टाइम ज़्यादा लगा था ये नहीं, इस बार ऐसा लग रहा है कि पहले वाले लास्ट टाइम इन्हें आपको ऐसा लगा था कि ज़्यादा है हार्ड गया, या ये साल ज़्यादा हार्ड गया? ये साल हार्ड गया। ये साल हार्ड गया। अच्छा तो अभी कि जैसा इंसान बड़ा होता है ना तो उसको सब चीज़ की एहसास होने लगता है, फीलिंग्स आती है, इन्हें पानी का एहसास होता है, पानी की प्यास चाहिए, खाना, भूख, ये सब चीज़। तो माशाल्लाह तो बच्ची ने तो सब चीज़ें कंट्रोल कर ली है माशाल्लाह। और अभी अलविना की सब फेवरेट चीज़ें आ गई है। अलविना आपकी फेवरेट चीज़ें सब है कि क्या कुछ कम है इसमें? है। सब चीज़ें है ना। तो देखो ये अलविना का जो फेवरेट है ये डोनट्स है, और ये किंडर जो है जो अलविना खाती ही रहती है, और ये फ्रेंच फ्राइज जो अलविना को बहुत पसंद है, और ये बाकी तो मिल्लत नगर से मैंने जो सब लिया, मैंने आपको तो बोला था कि सब मैं मिल्लत नगर से लेके आऊँगा इंशाल्लाह, तो लेके आइए। हमने घर में बनाया टोटीला रैप, ये घर पे बनाया सब चीज़ वीज़ वाला, तो इसके अंदर है ना सब देखो सब मसाले हैं इसके अंदर, और प्लस चीज़ वीज़ सब दिया हुआ है, और रगड़ा, और ये जो साटे वाटे सब जितना भी है ये सब है चिकन, और ये फ्रूट्स जो हम खाते हैं ज़्यादा करके। और अभी अलविना आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अमना आपको कैसा लगा रोज़ा? अच्छा। हाँ आपने रोज़ा रखा था क्या? नहीं। अमना भी रोज़ा रखे थे ना आपने, 1-2 बजे के बाद से आपने कुछ नहीं खाया ना अमना? आप बोले कि मैं दीदी के जैसा रखूँगी रोज़ा पूरा, है ना, है ना अमना? मगर अभी आप अंगूठा क्यों खा रही हो, तो आपका रोज़ा नहीं पकड़ जाएगा। तो अमना आपको कैसा लग रहा है आधे दिन का रोज़ा? अच्छा लग रहा है। अच्छा रोज़ा लग रहा है। तो अलविना कुछ कहना चाहोगी आप? हाँ? कुछ कहना चाहोगी? नहीं। अभी कुछ नहीं कहना चाहोगी? नहीं। अच्छा रुको थोड़ा, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाकी है रोज़े के लिए। अभी इफ्तारी अभी होने वाली है, अजान होने वाली है, तो अभी हम लोग इफ्तारी करेंगे। तो ये सब आइटम है तो हम आपको मिलेंगे। अलविना कैसा अभी आपको रोज़ा रखे कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो अभी देखो 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद आप जो आपको मन पसंद है आपका वो आप खा सकती हो। आप किससे स्टार्ट करोगे खाना पहले? खजूर से। वेरी गुड अलविना। और फिर अमन आप? अच्छा खजूर से, आप भी खजूर से। तो आप दुआ करो सबके लिए, ठीक है, चाची के लिए, बढ़िया दादी के लिए, ठीक है, दादी के लिए जो बड़ी दादी है ना मालूम है जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए दुआ करो, वो तो मेरी चाची है ना बड़ी चाची, हाँ उनके लिए दुआ करो, मेरे अब्बा के लिए दुआ करो, मेरी अम्मी के लिए दुआ करो, ठीक है, सबके लिए दुआ करोगी ना, दादी के लिए, नानी के लिए, नाना के लिए, हाँ तो सबके लिए दुआ करो। चलो तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं, हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब वापस अलविना रोज़ा रखेगी तो फिर वापस हम लोग वीडियो बनाएंगे, और हम जाएंगे दूसरी जगह से इफ्तारी की सब सामान लाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय। अमन आप कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, तो चलिए बाय। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब। सो दोस्तों बाय बाय। कम से कम 100 लाइक आना चाहिए, 100 लाइक इस बार। 400 चलो ठीक है, अरे 100 कर दे इन लोग तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, चलो 100 कर देना कम से कम। हाँ दोस्तों।